असलम एवरी वन बैक अगन विद्यो आज डेट ट्वेंटी वन है हमारा लास्ट टाइम हमने लगाई थी जेस्ट तो आज हम लगेंगे जनाब बैग तो स्ट्रेचिंग वगैरह कर लें वार्म अप वगैरह कर लें तो हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे सबसे जो मेजर एक्साइज है हमारी बैग की वो हैड एडल लिफ्ट तो जनाब हम इसको स्टार्ट में इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इनर्जी रिक्वाड होती है तो ये सबसे हमारी मेजर एक्साइज है तो स्कॉट्स जो जिसका एंगल जो है ना सेट करना बड़ा मुश्किल सीन है तो एज ए बिगनर जो है ना आप एंगल क्लास सबसे पहले सेट कराते हैं कि एक एक्चुअली ये डेड लिफ्ट लगती है किस तरह तो जनाब इसमें हम जो सबसे पहले काम करते हैं वो ये होता है कि जो हमारे पाँव के जो ग्रिप्स है ना जो हमारी वो आपकी शोल्डर से हल्की सी वाइड होगी स्ट्रेट सामने की तरफ हो जाएगी ठीक है अल्टरनेटिव ग्रिप आपने कर लेनी है मतलब एक हाथ सीधा रख लेना एक आध उल्टी साइज आपने ग्रिप कर लेनी है ग्रिप करके आपने स्ट्रेट आप की तरफ देखना है चेस्ट अप आपकी होगी शोल्डर आपके एक्टिव होंगे बैक लेट्स आपके एक्टिव होंगे ठीक है सामने देखेंगे बिल्कुल आप ठीक है और स्ट्रेट जो है ऊपर की तरफ आप इसको ले कर आएंगे चेक करें कितने लेवल का आ रहा है अब ये स्ट्रेट अप जाके ऊपर दो सेकंड आपने होल्ड करना है फिर नीचे लेके आएंगे जब इस टाइम आप नीचे लेके आते हैं इस टाइम हम रुकू में जिस तरह होती है ना सेम इस तरह आपने वहाँ पर लॉक कर लेनी है लेग्स यहाँ पर लेग्स लॉक होगी फुल नीचे लेके के आ गए तो चेस्ट आपने आप रखनी है जिससे नीचे जा रहे हैं और बैक को आपने डाउन नहीं करना आपने शोल्डर भी एक्टिव रखने हैं आपने बैक लेड्स भी एक्टिव रखने हैं आपने आपने चेस्ट आपकी अप होगी तो आपने अपनी कमर को बैंड नहीं करना क्योंकि मोस्ट केसली में जिस टाइम हम हम बैंड कर देते हैं इसको तो इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज अ बिगनर बहुत ज़्यादा लोगों के ये आता है सीन के उनका बैक इशू कर जाती है सेकेंड एक्सरसाइज लगेंगे जनाब बहुत ही मेजर एक्सरसाइज है हमारी तो इसको जनाब हम कहते हैं फ्रंट लैड्स पुल डाउन तो जनाब ये आपकी हम ग्रिप करते हैं जहाँ है, से वो आपका बैंड होगा रॉड शोल्डर से हल्का सा वाइड है हमारा ठीक है नीचे लेके आएंगे अपर चेस्ट तक टारगेट करेंगे उसको अपर चेस्ट पे आगे आके टच करेगी स्ट्रेट आप ले चले जाएंगे हम करेंगे आप चेक कर रहे हैं कितनी मजेक साइज और आप कंप्लीट हो जो है ना आपको इसका जो रिज़ल्ट नजर आएंगे वो आपके बैक में नजर आएंगे तो ये चेक कर रहे हैं बहुत लेवल की साइज़ है इसके भी आपने तीन सेट लगाने हैं जो थर्ड साइज़ है मेरी वो जनाब हमारी बैक लाइट्स पुल डाउन बैक लाइट्स भी मे मेजरिक साइज में आती है आपने ग्रिप कर लेनी है नीचे से चेक कर रहे हैं नीचे आके कमर के पीछे दो सेकंड होल्ड किया स्ट्रेट आप लेके गए झटके नहीं लगाने आपने जब भी लगानी एक्सरसाइज तो स्लो एंड स्टडी लगानी है कोई कम्पटिशन नहीं हो रहा जितना वेट आप बिजली उठा सकते हैं आप उसी वेट के साथ करें तो एज ए बिगनर जो है ना बोर मोर देन इनफ है आपके लिए वेट जो ये थर्ड एक्सरसाइज है जनाब टर्नी सॉरी फोर्थ एक्सरसाइज है बेंट ओवर रॉड है मेजर एक्सरसाइज में आती है मैं खुद लगा रहा हूँ क्योंकि वेट ज़्यादा है ट्वेल्व के का रॉड है और आपकी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव के प्लेट्स लगी हुई हैं जब एक पाँच पाँच के जी होनी है और एक बीस के जी होनी है शायद आपने ग्रिप कर लेनी है वायर लगी सी शोल्डर की वेट से हल्के सा वो आपके वो हो गए होगी की क्रिप होगी या चेक करें आप ये जगह मेरी कमर्स्टल है और ये मैं पहली बटन तक लेके आ रहा हूँ और फुल डाउन ले कर जा रहा हूँ तो इसमें मेरे अपर लैड से लेके लोअर लैड्स तक सारे रेट होते हैं क्योंकि तो ये मेजर एक्सरसाइज है इसके भी आपने जनाब तीन सेट लगाने हैं मगर एज अगिनर आप, आप जो है ना बड़ा रॉड मार्क यूज़ करें छोटा रॉड को यूज़ कर लें बहुत ज़्यादा फिट है तो जनाब मेरी मेरी लास्ट एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप पुल डाउन बहुत ही फिट एक्सरसाइज है आप चेक करेंगे इसकी करीब हमें रखेंगे क्लोज रखेंगे आपकी लोअर बैक से लेके ऊपर टॉप तक जो है ना सारे लाइट्स इसमें एक्टिव होते हैं अपर लाइट्स हो गए आपके लोअर लाइट्स हो गए मिडल हो गए तीनों आप लेट होते हैं तो जब आप चेक करने होंगे स्टार्ट में स्क्वाट्स लगे फिर हमने उसके बाद अपना फ्रंट रॉड लगाया बैक रॉड लगाया बेंट ओवर रॉड लगाया ये सारी मेजर एक्सरसाइजेज़ हैं तो एज अ बिगनर या इंटरमीडिएट लेवल में भी ज़्यादातर लोग यही एक्सरसाइज लगाते हैं इसमें कुछ जो है ना कंबीशन चेंज कर लेते हैं वेट इंक्रीज़ कर देते हैं तो टाइम टू टाइम जो है ना आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होती जाती है तो आप ऑलमोस्ट जो है ना वेट भी ज़्यादा उठाते हैं तो जनाब आज हमारा वर्कआउट जो था इतना ही था क्वेश्चन वगैरह है आपके तो आप पूछ सकते हैं इन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह